नमस्कार दोस्तों, जोवियल टैलेंट के न्यूमरोलॉजी सेक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मूलांक चार की। जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को हो, उनका मूलांक 4 होता है। दोस्तों, अगर आपका या आपके किसी संबंधी का मूलांक 4 हो, या अगर आप न्यूमरोलॉजी में रुचि रखते हों और जानकारी हासिल करना चाहते हों, तो हमारा पूरा वीडियो ध्यान से देखें और हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मूलांक 4 का स्वामी राहु होता है। मूलांक 4 वाले व्यक्तियों की आंखों में एक विशेष चमक होती है। इनके जीवन में अचानक परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे अचानक ये अमीर होते हैं, फिर अचानक ये गरीब हो जाते हैं। अचानक इन्हें लाभ होता है, फिर इन्हें हानि भी हो जाती है। इन्हें अचानक इनको प्रसिद्धि मिलती है, फिर इनको बदनामी भी मिलती है। कहने का तात्पर्य, इनके जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है और इनके जीवन में थोड़ा संघर्ष देखने को मिलता है। मूलांक 4 वाले व्यक्ति थोड़े मनमौजी प्रवृत्ति के होते हैं। ये बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, हालांकि बहुत जल्दी शांत भी जाते हैं। ये लोगों से जरूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं। सामाजिक तालमेल बैठाने में इनको थोड़ी सी दिक्कत होती है। ये उच्च शिक्षा तो प्राप्त करते हैं, हालांकि अपने जीवन में इनको आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये गुप्त विद्याओं में थोड़ी रुचि रखते हैं। ये लोग बहुत साहसी होते हैं और निडर होते हैं। इन्हें दिखावा थोड़ा पसंद होता है। लोगों से ये दोस्ती नहीं कर पाते हैं। इन्हें ये लोग बहुत भावुक होते हैं और ये रिश्ते नहीं निभा पाते हैं। इनकी अपने भाई बहनों से कम पड़ती है। ये फिजूल खर्ची में ज़्यादा ध्यान व्यर्थ करते हैं, क्योंकि इन्हें बहुत दिखावा पसंद होता है। अगर इनके मैरिड लाइफ की बात करें, तो इनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि एक बहुत ही लॉयल स्पाउस होते हैं और अपनी फैमिली के प्रति बहुत ही डिवोटी होते हैं। अगर इनकी कमियों की बात करें, तो ये किसी के भी मुँह पर निसंकोच कुछ भी बुरा बोल देते हैं। इन्हें अनुशासन में रहना पसंद नहीं है और ये अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ये बहुत आलसी होते हैं। इनके में धैर्य की भी कमी होती है। और अगर इनके व्यवसाय की बात करें, तो ये एक अच्छे वकील बन सकते हैं, एक अच्छे व्यापारी बन सकते हैं, या मशीनरी से रिलेटेड काम जैसे मैकेनिक हुआ या इंजीनियर हो सकते हैं। ये एक अच्छे नेता भी हो सकते हैं। अगर हम इनके रोग की बात करें, तो राहु का आधिपत्य क्षेत्र मस्तिष्क और छाती होता है। तो इनको मस्तिष्क से रिलेटेड रोग जैसे अनिद्रा हुई, या साइनस है, या श्वास रोग है, ये होने की संभावना होती है। और इनको ब्लड प्रेशर की भी बीमारी होने की चांसेस रहती हैं। इनके में स्टोन भी होने की संभावना रहती है। अगर हम दिनों की बात करें, तो इनके लिए रविवार, सोमवार और शनिवार अच्छे दिन होते हैं। अगर हम अंकों की बात करें, तो इनके लिए 1, 2, 4, 7 और 8 ये इनके लिए अच्छे अंक होते हैं। अगर हम रत्नों की बात करें, तो इनके लिए गोमेद और नीलम अच्छे रत्न माने जाते हैं। इनको किसी भी शनिवार को बीच की उंगली में कम से कम 5-6 रत्ती का गोमेद या नीलम चांदी या अष्ट धातु में पहन सकते हैं। और दोस्तों, रंगों की बात करें, तो इन्हें भूरा, खाकी या नीला रंग प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, इन्हें मेडिटेशन करना चाहिए, लेकिन इनको थोड़ा सा जानवरों से भी खतरा रहता है, जानवरों से बचना चाहिए। और अपनी वाणी को ठीक करने के लिए इन्हें माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप हमारा चैनल जोवियल टैलेंट लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।